इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में गुरुवार को पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच मैच खेला गया। इस मैच में गुजरात टाइटंस ने अंतिम ओवर में जीत हासिल की। इस मैच में गुजरात की तरफ से शुभमन गिल ने 67 रनों की पारी खेली, हालांकि ये काफी धीमी थी और इसे लेकर उनकी खूब आलोचना हो रही है। इसी कड़ी में पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी उन्हें लताड़ लगाई है। व्हाइट बॉल क्रिकेट में गिल की बल्लेबाजी के साथ यह समस्या रही है, खासकर T20 में उनका फिनिशिंग दर बहुत ही कम है और सबसे खराब है। वह बीच में ओवर्स में काफी धीमे हो जाते हैं, जिससे टीम की प्रगति को नुकसान पहुंचता है। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने पावर प्ले के बाद गिल के स्ट्राइक रेट की ओर इशारा किया और कहा कि उन्हें व्यक्तिगत मील के पत्थर तक पहुंचने के बारे में नहीं सोचना चाहिए और इसके बजाय परिस्थितियों के अनुसार खेल को ठीक करना शुरू करना चाहिए। उन्होंने गिल को चेतावनी भी दी कि अगर ऐसा ही रहा तो क्रिकेट उन्हें जोरदार थप्पड़ मारेगा। क्रिकेट पर बोलते हुए वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि उन्होंने 49 गेंदों में 67 रन बनाए, लेकिन वह अपने अर्धशतक तक कब पहुंचे? उन्होंने शायद ही 41-42 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद 7-8 गेंदों में उन्होंने 17 और रन बनाए। उन्हें अर्धशतक के बाद तेजी आई। अगर ऐसा भी नहीं हुआ तो गुजरात टाइटंस आखिरी ओवर में 7 के बजाय शायद 17 का पीछा कर रहा होता। वीरेंद्र सहवाग यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि आप यह नहीं सोच सकते कि मुझे एक अर्धशतक बनाने दे और हम वैसे भी मैच जीतेंगे। यह क्रिकेट है। जिस क्षण आपकी टीम के बजाय अपने प्रदर्शन के बारे में सोचते हैं, आपको क्रिकेट से एक करारा तमाचा मिलता है। जब यह 50 के करीब था, तभी 200 के स्ट्राइक रेट से खेलता तो यह उपलब्धि जल्दी हासिल कर लेता और टीम के लिए कुछ गेंदे भी बचाता। मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 153 रन बनाए थे। टीम की ओर से मैथ्यू शॉर्ट सबसे ज्यादा रन बनाने में कामयाब रहे। 154 रन का लक्ष्य लेकर मैदान में उतरी गुजरात टाइटंस टीम ने 3 विकेट खोकर ही आसान जीत हासिल कर ली। टीम की ओर से शुभमन गिल ने सर्वाधिक 67 रन बनाए। पंजाब किंग्स की ओर से अर्शदीप रवाडा सैनकर रन और हरप्रीत ने एक एक विकेट लिए।